हेलो गाइस, तो फाइनली वीडियो का रिजल्ट आ चुका है। जो वेट कर रहे थे आप लोग वो खत्म हो चुका है। ठीक है, 12 तारीख को ही आया, मतलब आज ही आया है। सुबह से वेट होगा तो आपको पता ही होगा। और जिन जिन के भी रोल नंबर इसमें है, देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, जिनके भी रोल नंबर है इन मतलब जिन भी अभ्यर्थियों के, वो मुख्य परीक्षा देंगे। और मुख्य परीक्षा कब होगी, तो जुलाई में हो सकती है, 2 या 9 जुलाई को ही एक्सपेक्टेड डेट है। बाकी आपको 25 अप्रैल तक कन्फर्म बता दिया जाएगा कि आपकी कौन सी डेट को एग्जाम होने वाला है। उसके बाद में आप इस पीडीएफ में अपना रोल नंबर चेक कर सकते हो। जिसके भी रोल नंबर इस पीडीएफ में है, मतलब उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। वो मेन एग्ज़ाम देंगे और मेन एग्ज़ाम के बाद में अपनी जॉब के लिए एक पड़ाव और पार कर लेंगे, राइट। उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, तो फटाफट देख लेते हैं कट ऑफ क्या गई होगी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ जानने में तो बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। तो देख लो, अब 1,75,000 लोगों को पास किया है, तो पीडीएफ तो बड़ी होगी ही ना। 316 पेपर की पीडीएफ है, तो आप अपना रोल नंबर अच्छे से सर्च करना। एक बार अगर किसी को ना मिले तो डरना मत, दूसरी बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो क्या पता कहीं इधर उधर रह जाए। तो देखो कौन कौन से सवाल डिलीट हुए हैं, वो सब भी इसमें बता रखा है। ये देखो डिलीट प्रश्न नहीं, यहाँ पर आप अपने देख लेना आपका कौन से शिफ्ट में पेपर था, उसके हिसाब से। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस भर्ती के मतलब इस भर्ती के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम में सामान्य श्रेणी में मतलब आरक्षित श्रेणी का माइग्रेशन नहीं किया गया है। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन या स्केलिंग के बाद में 50% जो लेके आए हैं उनको क्वालिफाई माना गया है। ठीक है, 50% अंकन प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया गया है और निम्न श्रेणियों में मुख्य परीक्षा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो सके, इसके लिए उक्त 50% अंकों में कुछ छूट दी गई है। जैसे आपको यहाँ पे नॉन टीएसपी एरिया की देखने को मिल रही है और यहाँ पे टीएसपी एरिया की देखने को मिल रही है, तो कितनी छूट दी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज बात यही है कि जिसके भी 50% है उनका तो इस लिस्ट में नाम हो गए। तो बस आपको यही अपडेट देनी थी, बाकी आप अपने अपने रोल नंबर चेक कर लो और फटाफट ऐसी ही आपको झटपट न्यूज़ मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।